मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। जबरदस्ती कभी भी नहीं हंसना चाहिए, जबरदस्ती कभी भी नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि उस समय जो आप हंसेंगे वो मैकेनिकल हंसी होगी। मैकेनिकल आप समझते हैं यांत्रिकी, जिसमें रस नहीं होगा, भाव नहीं होगा, आप सिर्फ हंसेंगे। तो कहते हैं बिना भाव और बिना रस की जो हंसी है वो शरीर को कोई लाभ नहीं देगी। अब मैं आता हूं थोड़ा आपको समझ में आए इस दृष्टि से। आजकल भारत में बहुत जगह लाफिंग क्लब्स चलते हैं, आप भी हो सकता है जाते हो। तो लाफिंग क्लब्स में जो हंसी है वो पूरी तरह से यांत्रिक है, मैकेनिकल है। वो कहते हैं मुंह फाड़ के हंसो, हा 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 हा, इसमें ना रस है ना भाव है। वो कहते हैं हंसते समय रस भी होना चाहिए, भाव भी होना चाहिए। हां ये जरूर है कि उस लाफिंग क्लब में आपको कोई जोक सुनाकर हंसी आती है, या उन्होंने कोई एक्टिंग की और उस पर आपको हंसी आती है, वो ठीक है। आपको लाफिंग क्लब में किसी ने जोक सुनाया, मजाक किया, आपको हंसी आई, तो उसमें रस भी होगा भाव भी होगा। लेकिन ये मुंह खोल के हा 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 करेंगे, ना रस होगा ना भाव होगा। तो इससे बचें, क्योंकि इससे तकलीफ आएगी। फिर बिना रस और बिना भाव की जब हंसी आप हंसेंगे तो पेट में दर्द होगा, और पेट में दर्द होगा तो वो कोई तकलीफ की स्थिति भी बना सकता है। जैसे कई बार आपने सुना है हमारी नस पे नस चढ़ गई, बिना भाव और बिना रस की हंसी में पेट की नस पे नस चढ़ सकती है, और वो चढ़ गई तो डॉक्टर उतार नहीं पाता उसको, फिर कहेगा जी ऑपरेशन करा लो, कॉम्प्लिकेट हो गई है। तो बिना रस और बिना भाव की हंसी कभी भी ना हंसे, लेकिन रस और भाव के साथ हंसी आ रही है तो बिल्कुल ना रोके, जरूर हंसे। बात आपको स्पष्ट हुई? आपको स्वाभाविक रूप से कोई दृश्य देखकर, कोई बात सुनकर, किसी की क्रिया देखकर हंसी आ रही है तो रोकना मत, खूब हंसना उसको। और बिना भाव बिना रस बिना क्रिया के कोई हंसी करने की कोशिश कभी आप करना मत। वो कहते हैं कि सम में रहिए, मध्यमार्गी बनिए। हमेशा हर जगह वो कह रहे हैं मध्यमार्गी रहिए, ना इस एक्सट्रीम पे जाइए ना उस एक्सट्रीम पे जाइए। क्यों? तो वो कहते हैं कि भारत एक ऐसी भूमि है जो मध्यमार्गियों की ही है।